ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਏ ਰੌਣਕਾਂ, ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜਕਾਰੇ, ਬੰਬ ਬੰਬ ਬੋਲੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ? महाशिवरात्रि शिव और पार्वती का विवाह के रूप में मनाया जाता है। जिस आदमी की मनोकामना पूर्ण करानी होती है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शिव पार्वती की आराधना की जाती है। रामायण में लिखा है कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, हो ही न कोटि जोग जप साधे। करोड़ों जोग जाप कर ले, साधना कर ले, लेकिन जितने जल्दी शिव जी वशीभूत होते हैं उतने जल्दी मनोकामना कोई नहीं पूरा कर सकता। इसलिए शिव पार्वती की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था पार्वती के संग, इसलिए जिस कन्या के विवाह में अड़चन आती हो उस दिन शिवरात्रि का व्रत रखती है और शिव पार्वती को सम्मिलित रूप में पूजा करती है, श्रृंगार के समान चढ़ाती है, सुहाग के समान चढ़ाती है और शिव जी पर दूध दही घी शहद शक्कर चढ़ाती है। बेलपत्ते आग धतूरा भंग चढ़ाया जाता है, गन्ने के रस चढ़ाया जाता है, गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और संतान की कामना के लिए भी आराधना करते हैं जिससे संतान अच्छे प्राप्त हो। इस तरह शिवरात्रि के व्रत सबको धूमधाम से करनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा और प्रेम से करनी चाहिए। ये हर मनोकामना को पूर्ण करता है, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। असी अज शिवबाड़ी मंदिर दे विच खड़े हां, रौनकां लंबियां लंबियां लाइनां लगियां, हर साल जिहड़ियां रौनकां इत्थे लगियां होंदियां ते देखण नूं छोटे तो बच्चे तो लैके वड्डे तक जिहड़े लाइनां दे विच लग के खड़े यहाँ पर। बरसों से शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है हमारे मंदिर में। जब से हम यहाँ हैं 35 साल हो गया, लगभग 35 साल से हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी कोई आता है और हमारे मेंबर तन मन धन से इस पर्व के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस मंदिर का क्या इतिहास है? कहते हैं शिवरात्रि के महासचिव में यहाँ पर नागनागिनी के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पर नागनागिन का जोड़ा भी रहता है। विगत कुछ वर्षों से जब भी शिवरात्रि पर्व आती है, चाहे कोई ओकेजन होता है, कभी कभी उनकी झलक दिख जाती है और इसीलिए शिवबाड़ी नाम पड़ा कि शिव जी का वास यहाँ है। हर मनोकामना इस मंदिर में आने से पूरा होता है क्योंकि बरसों पुराना शिव जी की मूर्ति शिवलिंग है और यहाँ पर सबसे पहले पूजा करने से सब कुछ प्राप्ति होता है। कोई भी निराश होकर यहाँ से नहीं जाता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ नाग देवता का वास भी रहता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, 3 ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਸ ਮੈਂ 4 ਪੂਜਾ 4 ਪਹਿਰ ਕੀ रात क्या करनी हो तो 12 बजे से पहले 2 पूजा होती है, 12 बजे के बाद 2 पूजा होती है। दिन को करनी है तो 12 बजे से पहले 2 पूजा होती है, 12 बजे के बाद 2 पूजा होती है। रात्रि में यहाँ पर शिव विवाह का आयोजन भी किया जाता है क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। देखिए असी तुहानू तस्वीरां दिखाइयां शिवबाड़ी मंदिर जलंधर दियां जिथे शिवरात्रि के संबंध में नाग नागिनी के दर्शन भी होंदे ने, ते उत्थे पंडित जी ने दस्सिया जो पूजा है 4 पूजा कीतियां जांदियां जिस दे विच जो वर्त रखे जांदे ने, ते उहदे संबंध विच लोग संगत केड़ी इत्थे हर मंदरां दे विच रौनकां लगी होईआं, बम बम बोले दे जकारे लग रहे ने। तस्वीरां तुहानू असीं इदां ही दिखांदे रहांगे जगबानी टीवी दे विच। सुनील महाजन, जगबानी टीवी, जलंधर।